बेरूत में भीषण धमाके, मारे हिजबुल्ला के 30 कमांडर। ईरान पर इजराइल हमला कब करेगा इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन इस वक्त दक्षिणी लेबनान में जिस तरह से हिजबुल्ला के लड़ाकों पर इजरायली वायुसेना भीषण हमले कर रही है, उससे साफ हो चुका है कि इजराइल चाहता है कि जिस वक्त वो ईरान पर बड़ा हमला करे उस वक्त हिजबुल्ला की तरफ से इजराइल पर बड़े हमले ना हो पाए, और इसीलिए इजरायली वायुसेना और पैदल सेना दक्षिणी लेबनान के गांवों से लेकर के शहरों पर जबरदस्त हमले कर रही है। अगर हम पिछले 18 घंटे की बात करें तो इजराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत में अंधाधुंध हवाई हमले किए हैं। जबरदस्त बम धमाके से पूरा बेरूत शहर बारूद की आग में भस्म हो रहा है। इजराइल के हमलों से ये बिल्कुल साफ हो चुका है कि हिजबुल्ला को जबरदस्त नुकसान हो रहा है। इजरायली वायुसेना ने F-35 और F-15 जेट से रात भर बेरूत और उसके आसपास बड़े हमले किए हैं। बेरूत के दक्षिणी उपनगर दहिया में सबसे ज्यादा हवाई हमले इजरायली वायुसेना ने किए हैं। खबर के मुताबिक सुबह 3 बजे तक इजराइल ने दहिया में 9 बड़े एयर स्ट्राइक किए, और इस हवाई हमले में हिजबुल्ला को भारी नुकसान भी हुआ है। दावा तो यहां तक किया गया कि महज 6 मिनट के भीतर ही बेरूत और आसपास के इलाकों पर IDF के लड़ाकू विमानों ने 20 से ज्यादा हवाई हमले किए हैं। कुछ दावों के मुताबिक महज 30 मिनट के अंदर ही इजरायली वायुसेना ने 100 टन से भी ज्यादा बम और मिसाइलें बेरूत और आसपास के इलाकों पर दागी हैं। इसके अलावा इजराइल ने हिजबुल्ला की हथियार सप्लाई लाइन को काटने के लिए सीरिया से लगती लेबनान की सीमा पर बहुत बड़ी एयर स्ट्राइक की है, जिसमें हिजबुल्ला और सीरिया के लड़ाकों को जबरदस्त नुकसान होने की खबर है। हिजबुल्ला के कमांड सेंटर, हथियारों के भंडार और खास सुरंगों को चुन चुन कर तबाह किया जा रहा है। इजरायली सेना का दावा है कि उसने हिजबुल्ला की हथियार, मिसाइल और रॉकेटों से भरी 250 मीटर लंबी सुरंगों को हवाई हमले में पूरी तरह से नेस्त नाबूद कर दिया है। חיסול של נסראללה זה שלב חשוב מאוד, אבל זה לא הכל. אנחנו נפעיל את כל היכולות שיש לנו. ואם מישהו לא הבין בצד השני מה הכוונה כל היכולות, זה כל היכולות. ואתם חלק מהמאמץ הזה. התרה שלנו זה להחזיר את תושבי הצפון לבתיהם. עבור החזרת תושבי הצפון לבתים שלהם, אנחנו נהיה מוכנים לעשות. ישראלי סינה כתבה היא. कि उसने लेबनान में हिजबुल्ला को कमजोर करने के लिए जमीनी जंग बेहद तेज कर दी है। इस वक्त इजराइल की सेना के पैदल सैनिक, मार्कावा टैंक और बख्तरबंद लड़ाकू वाहनों के साथ दक्षिणी लेबनान में चुन चुन कर हिजबुल्ला के अड्डों और ठिकानों पर हमले कर रहे हैं। दक्षिणी लेबनान से सटे उत्तरी इजराइल के शहरों और गांव पर हिजबुल्ला के लड़ाके इन्हीं इलाकों में खौफनाक हमले कर रहे हैं। हिजबुल्ला ने पहली बार एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें दावा किया गया कि कैसे हिजबुल्ला के लड़ाके चुन चुन कर अब इजराइल के ग्राउंड फोर्सेस पर जानलेवा हमले कर रहे हैं। हिजबुल्ला के इस वीडियो में जो दावे किए गए हैं वो वाकई हैरान करने वाले हैं। वीडियो में हिजबुल्ला ने साउथ लेबनान के अलादीसा और मरान एल रास में भी 10 इजरायली सैनिकों को मारने का दावा किया है। हिजबुल्ला का दावा है कि ये इजरायली सैनिक उस वक्त मारे गए जब इजरायली सैनिक लेबनान के अलादीसा और मरान एल रास में हिजबुल्ला के लड़ाकों पर हमला कर रहे थे। हिजबुल्ला ने दावा ये भी किया कि उसने IDF पर हमला करके इजरायल के 76 सैनिकों को घायल कर दिया है, जिसकी वजह से इजराइल जमीनी हमले रोकने के लिए मजबूर हुआ है। खबर ये भी है कि लेबनान के अलादीसा में हिजबुल्ला ने इजराइल पर 2 सरफेस टू सरफेस मिसाइलें दागी है,
जिसे इजराइल के एयर डिफेंस ने तबाह कर दिया है। हिजबुल्लाह के हमलों से इजराइल के मेनाशे, कारमेल और हामीफ्रास इलाकों में मिसाइल की वजह से लगातार सायरन बजने की खबरें भी आ रही है। למשפחות גיבורנו שנפלו היום בלבנון. השם יקום דמם, יהי זכרם ברוך. אנחנו בעיצומה של מלחמה קשה נגד ציר הרשע של איראן שמבקש להשמיד אותנו. זה לא יקרה, כי נעמוד יחד ובעזרת השם ננצח יחד. נחזיר את חטופינו בדרום, נחזיר את תושבינו בצפון, נבטיח את נצח ישראל. तेज होती जंग के बीच खबर ये भी आ रही है कि लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह लड़ाकों ने इजराइल पर 25 रॉकेट से हमले कर दिए हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक इजराइल के गैलीली में सायरन की आवाजें सुनाई दे रही है। आईडीएफ के मुताबिक उन्होंने हिजबुल्लाह के कई रॉकेट्स को इंटरसेप्ट कर लिया है। 5 अक्टूबर से अब तक हिजबुल्लाह की ओर से इजराइल पर 110 रॉकेट से हमला किया जा चुका है। इधर इजरायली सेना का साफ कहना है कि वो हिजबुल्लाह के लीडरशिप और टॉप कमांडरों को जिंदा नहीं छोड़ेगी। हम आपको ये भी बता दें कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने यह भी दावा किया है कि इस वक्त इजराइल अपने दुश्मनों के साथ 7 फ्रंट पर जंग कर रहा है। इधर इजरायली सेना के चीफ ने दावा किया है कि हम लगातार हिजबुल्लाह को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। आईडीएफ की तरफ से जो दावा किया गया है, जरा उसे भी जान लीजिए। आईडीएफ के मुताबिक 440 हिजबुल्लाह लड़ाके अब तक मारे गए हैं, जबकि हिजबुल्लाह के 2000 ठिकानों को तबाह किया जा चुका है। हालिया हमलों में इजरायली सेना ने नसरल्लाह और उसके उत्तराधिकारी हाशिम साफिदीन और वेपन सलाहकार मोहम्मद अनीसी सहित करीब 30 टॉप कमांडरों को मार डाला गया। वहीं आईडीएफ ने बताया कि पिछले 5 दिनों में हिजबुल्लाह के 440 लड़ाके मारे गए हैं। इजरायली हमलों में अब तक लेबनान में 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से ज्यादातर पिछले 2 हफ्ते में ही मारे गए हैं। दक्षिणी बेरूत का ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में इजरायली वायुसेना पर आरोप लगा है कि उसने बेरूत के दक्षिणी उपनगरों में चल रही बमबारी में लेबनानी अल मनार टीवी स्टूडियो को निशाना बनाया है। साल 2006 के बाद से इजरायल ने अल मनार कार्यालयों पर पहली बार हमला किया है। अभी ये पता नहीं चला है कि लेबनान के अल मनार टीवी स्टूडियो पर हुए हमले में किसी की जान गई है या नहीं, लेकिन अल मनार टीवी स्टूडियो को भारी नुकसान जरूर हुआ है। इजराइल इस वक्त बेरूत में हर उस जगह पर हमला कर रहा है जहां उसे लग रहा है कि हिजबुल्लाह उस जगह का फायदा उठा सकता है। बेरूत में भगदड़, हवाई हमले पर हाहाकार। בתור הערכת מצב שקיימנו היום הוחלט על עדכון ההנחיות לעורף כך שיתאפשרו התקהלויות של עד 2,000 איש מאזור הכרמל דרומה. האופן בו נגיב למתקפה הנפשעת יהיה באופן, במקום ובזמן שנחליט, בהתאם להנחיית הדרג המדיני. इजराइल ने पहली बार लेबनान के उत्तरी इलाके पर भी हवाई हमला शुरू कर दिया है। इजरायली सेना ने रात त्रिपोली के बेदावी इलाके में फिलिस्तीनी शरणार्थी कैंप के पास इमारत को निशाना बनाया है। इस हमले में हमास के मिलिट्री विंग अल कासिम के नेता सईद अतल्लाह अली की मौत हो गई है। उसके परिवार के 3 और लोग भी मारे गए हैं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक 17 सितंबर के बाद से लेबनान से 3,00,000 लोग सीरिया भाग गए हैं। वहीं लेबनान सरकार ने बताया कि साल भर में 12,00,000 से ज्यादा लोगों ने लेबनान छोड़ दिया है। इस बीच इजराइल के हवाई हमले में लेबनान को सीरिया से जोड़ने वाला हाईवे टूट चुका है। इजराइल ने बेरूत एयरपोर्ट से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर पर भयंकर एयर स्ट्राइक की है, जिसकी वजह से विदेशी नागरिकों के होश उड़ने शुरू हो गए हैं। जर्मनी अपने नागरिकों को तेजी से निकाल रहा है।
ऑस्ट्रेलिया ने रात भर में लेबनान से अपने 407 नागरिकों को बाहर निकाल लिया है। अमेरिका, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन भी अपने काफी नागरिकों को हवाई जहाजों से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहे हैं। कुल मिलाकर बेरूत उस बारूदी जंग में बुरी तरह से जल रहा है, जहां अब कोई भी सुरक्षित नजर नहीं आ रहा। सवाल है कि क्या इसराइल आज रात ही हमला करने जा रहा है, और अगर इसराइल हमला करता है तो ईरान में वो किस जगह अटैक करेगा? नेतन्याहू के दिमाग में क्या चल रहा है, इसे जानने के लिए पूरा ईरान ही नहीं पूरी दुनिया बेचैन है। इसलिए ये ऐसे युद्ध की चिंगारी है जो पूरी दुनिया को जला सकती है। ये बात पुतिन भी जानते हैं और बाइडेन भी। इस युद्ध के शुरू होने से पहले कई एक्टर शामिल हो चुके हैं। एक तरफ ईरान बनाम इसराइल है, तो दूसरी तरफ बाकी एक्टर्स में अमेरिका है, रूस है, सऊदी अरब है, लेबनान है, इराक है, सीरिया है, यमन है। तुर्की भी इस युद्ध से अछूता नहीं रहेगा। अजरबैजान, आर्मेनिया भी इस युद्ध में खिंचे चले आएंगे। युद्ध शुरू हुआ तो नेटो को भी एक्शन में आना पड़ेगा, और चीन को कौन नजरअंदाज कर सकता है। लेकिन युद्ध को काबू करने के बजाय इस वक्त ईरान और इसराइल में ऐसी मीटिंग हो रही है जो सिर्फ और सिर्फ युद्ध को और तेज करेगी। पेंटागन से लेकर इसराइल के वॉर रूम तक घंटों मीटिंग हुई है और अब भी चल रही है। तेहरान को जवाब देने के लिए कि अमेरिका भी इतने ही प्रेशर में है जितना इसराइल है, ये बड़ा सवाल है। तो चलिए इसका जवाब भी आपको दिखा देते हैं। एक तरफ नेतन्याहू बम गिराने वाले हैं और दूसरी तरफ बाइडेन बारात में जा रहे हैं। नेतन्याहू के टारगेट पर गजा है, बेरूत है, ईरान है, और बाइडेन व्हाइट हाउस के स्टाफ की शादी में है, और बाइडेन अब पार्टी मोड में आ चुके हैं। ये बारूद वर्सेस बारात वाली तस्वीर है जिसे पूरी दुनिया देख रही है। वैसे बाइडेन ने सेंट्रल कमांड के जनरल माइकल कुरिल्ला को तेल अवीव बहुत सोच समझ कर भेजा है। इसके पीछे अमेरिका का एक बड़ा मैसेज है। मैसेज ये कि अगर ईरान और इसराइल का युद्ध हुआ तो अमेरिका इसराइल के साथ खड़ा होगा, जबकि दूसरी तरफ पुतिन पूरी तरह ईरान की ढाल बनकर खड़े होंगे, या कहें कि ईरान और इसराइल युद्ध अमेरिका बनाम रूस की जंग बन जाएगी। खबर यह भी है कि ईरान को रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम मिल चुके हैं। सवाल है कि क्या ये खास इसराइल को रोकने के लिए सप्लाई किए गए हैं। रूस की तरह ईरान भी दुनिया में एक मल्टीपोलर यानी बहुध्रुवीय सिस्टम चाहता है, यानी अमेरिका की दादागिरी नहीं चलेगी, ये रूस और ईरान दोनों बताना चाहते हैं। तेहरान में हमास प्रमुख इस्माइल हानिया और लेबनान में हिजबुल्ला चीफ हसन नसरुल्ला की हत्या के बाद पुतिन ने अपने सबसे शीर्ष प्रतिनिधि ईरान भेज चुके हैं। ये नेतन्याहू को भी बड़ा पैगाम है और बाइडेन को भी बहुत खतरनाक मैसेज है। इसराइल अब कैसे वार करेगा और ईरान फिर कैसे जवाब देगा, इस दशक में दुनिया के लिए सबसे खतरनाक वक्त आ चुका है। 2022 रूस ने यूक्रेन पर हमला करके पूरे यूरोप को डरा दिया, अमेरिका तक घबरा गया। 2023 हमास ने इसराइल पर हमला करके पश्चिम एशिया का सबसे खतरनाक युद्ध छेड़ दिया। लेकिन 2024 सवाल है कि क्या ईरान और इसराइल का युद्ध हुआ तो वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगी। यानी 2022 में तो दुनिया वर्ल्ड वॉर से बच गई, 2023 में भी गजा युद्ध के बाद विश्व युद्ध नहीं हुआ। ऐसे में क्या 2024 सभी जंगों का बॉइलिंग पॉइंट बनेगा और ईरान इसराइल युद्ध के साथ विश्व युद्ध भी शुरू हो जाएगा? مشورت های خیلی خوبی بین ما صورت گرفت. ابتکاراتی الان وجود داره توسط برخی از کشورهای منطقه و برخی از کشورهای فرامنطقه. ما به مشورت های خودمون با اون کشورها ادامه خواهیم داد. عملی یک عکس العملی خواهد بود از سوی ایران به صورت متناسب و مشابه. ایران که میسایل پاور سے اسرائیل بہت زیادہ گھبرایا ہوا ہے. یہ بات بائیڈن اور پوتین دونوں جانتے ہیں. ایران نے جس طرح سے اسرائیل پر حملہ کیا उसे तीसरे विश्व युद्ध की दस्तक के तौर पर देखा जा रहा है। ईरान की नई मिसाइल खैबर शिकन, फतेह और खुर्रम शहर 4 पर इसराइल का पूरा फोकस है। ये टेक्नोलॉजी के मामले में ईरान की बहुत ही खतरनाक मिसाइल मानी जाती है। इनमें से खुर्रम शहर 4 की रेंज 2000 किलोमीटर है और ये 1500 किलो तक का वॉरहेड ले जा सकती है। इसलिए ईरान का जवाब भी फौरन आएगा और दोगुनी ताकत से आएगा। अब देखना है कि अगले 24 घंटों में ईरान और इसराइल के बीच क्या होता है। दोनों की तैयारी पूरी है, हालांकि अगला एक्शन क्या होगा इसका पूरा कंट्रोल इसराइल के पास है।